हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदितिस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डिटॉक्स वाटर रेसिपी, आप कैसे बनाएं। बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ जो खाना होता है वो पचता नहीं है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड, वो हमारे शरीर में टॉक्सिक मटेरियल को पैदा करता है और हमारे शरीर की अलग अलग जगह जा कर के ब्लॉकेजिंग पैदा करता है। तो इसीलिए हमें टाइम टाइम पे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। तो ये जो ड्रिंक है ये आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को, इम्प्योरिटी को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प आपको करेगी, साथ ही साथ उनको फ्लश आउट करेगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और आपको वेट लॉस में भी ये आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, PCOD, PCOS या थायराइड है तो भी आप इसको ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए। और कैसे बनानी है, कब कब लेनी है और पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूंगी आगे, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, इसे भी दबाइए, इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का जार लिया है आधा लीटर का और इसमें मैं तेज गर्म पानी इसमें ऐड कर दूंगी। पानी इसमें डाल दिया मैंने, पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा इसको खाली रखा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, एक एक करके डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच अदरक लिया है, ग्रेट कर लिया है ये मैंने, घी या कस में इसको कस लिया है, उसके बाद मैं इसको पानी में डाल दूँगी। सबसे पहले अदरक मैंने इसके अंदर डाला है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लेमन। जिन लोगों को लेमन से एलर्जी है वो इस ड्रिंक को ना लें। तो लेमन यहाँ पे एक बड़ा लेमन था, उसकी स्लाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी। ऑरेंज जूस मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून, और ऑरेंज की 2 स्लाइस हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आपको ऑरेंज नहीं मिलता तो मौसम्बी भी डाल सकते हैं, या किन्नू मिलते हैं माल्टा वो भी डाल सकते हैं, तो जो भी इसकी फैमिली का मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। तो इसको मैंने शेक कर लिया है बॉटल को और उसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और इसके बाद इसको मिक्स कर दूंगी मैं। इसको हमें ढक कर के रख देना है क्योंकि अभी ये बहुत तेज़ गर्म पानी है और इसको हमें रखना है मिनिमम 40 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा बस, उसके बाद आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। तो ये ढक के मैं साइड में रख देती हूँ और आपको बताती हूँ। इस तरह की एक बॉटल आती है जिसमें आप बना करके पूरा दिन का रख सकते हैं डिटॉक्स वाटर। यहाँ पे गर्म पानी डालिए इधर से और दूसरी तरफ से जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह की जाली दिखाई देगी। इसमें आप अपने इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जो भी आप डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं जिस भी चीज़ का, वो इसमें डाल दीजिए। गर्म पानी डाल दीजिए दूसरी तरफ से और इसको बंद करके रख दीजिए और ये बन करके तैयार हो जाएगा, इसको छानने की भी झंझट नहीं रहेगी। तो 50 मिनट हो चुके हैं और हमारी ड्रिंक बन करके तैयार है। इसको छान करके पीना है, इसको अच्छे से छान लें और फिर इसके बाद इसको पिए। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसको लेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। इसके अंदर विटामिन ई, सी, ए आपको मिल जाएंगे। आपको इसको रोज़ नहीं पीना, ऑल्टरनेट डेज पे पीना है, यानी कि एक दिन छोड़ एक दिन पीना है। और जिस दिन आप इस ड्रिंक को नहीं पियेंगे उस दिन पूरा दिन आपको गर्म पानी पीना है। और आपको ये जो ड्रिंक है ये आपको सिर्फ दोपहर तक पीनी है, यानी कि सुबह अगर आप 9 बजे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 बजे तक आप इसको फिनिश कर दें। शाम को आप इसको नहीं लेंगे, इस ड्रिंक को शाम को भी आपको गर्म पानी लेना है। आपके हेयर, आपके स्किन के को काफ़ी अच्छा करेगी ये ड्रिंक, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। अगर आप इसको 1 महीने लेते हैं तो आपको उसका असर भी दिखाई देगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी बढ़ेगा, इससे फैट भी कम होगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई डाइट नहीं कर रहे और इसको ले रहे हैं 1 महीना लगातार, तो 3 से 4 किलो वेट आपका ज़रूर कम होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।